वाले वेक्टर्स है ना। तो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, वेक्टर्स। क्या होता है वेक्टर्स? हमें पता है फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती है ना। अगर मैं फिजिकल क्वांटिटीज की बात करूं, फिजिकल क्वांटिटीज ये दो टाइप की होती है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर्स, है ना। तो स्केलर और वेक्टर ये दो टाइप के होते हैं। ये दोनों क्या है? हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कोई यूनिट होता है, और उसके आगे डायरेक्शन होता है या नहीं होता है। तो अब जिसमें डायरेक्शन होता है उसको हम कहते हैं वेक्टर्स। अगर ये तीनों एक साथ प्रेजेंट है तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कहेंगे वेक्टर्स, है ना। जैसे कि हमने बोला न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 5, यूनिट मतलब न्यूटन, है ना, 5 न्यूटन, और डायरेक्शन मतलब हमने बोला डायरेक्शन उसका हो गया ड्यू ईस्ट या ड्यू वेस्ट, इस तरह से हमने कोई डायरेक्शन बताया ईस्ट की तरफ, तो 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ हम लगा रहे हैं। तो जिसमें डायरेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? वेक्टर्स। और जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? स्केलर्स। फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन देना रिक्वायर्ड है, इसमें इसमें डायरेक्शन को बताना रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। जैसे कि स्केलर्स में हम 5 के जी शुगर की बात करें, 5 के जी शुगर किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, या जिस भी डायरेक्शन में जाओ 5 के जी शुगर तो 5 के जी शुगर है ना, 5 के जी शुगर, ठीक है। बट अगर अपने को जाना है, हम यहाँ पे एमपी में खड़े हैं, कहाँ पे खड़े हैं? एमपी में खड़े हैं। किसी ने बोला दिल्ली यहाँ पे, कितने किलोमीटर दूरी पे दिल्ली? दिल्ली 1000 किलोमीटर पे दिल्ली है, मान लेते हैं, एग्जैक्टली नहीं मान लेते हैं, 1000 किलोमीटर पे दिल्ली है। तो यहाँ से मुझे किसने बोला भाई पॉइंट ए से तुझे 1000 किलोमीटर जाना है तो तू दिल्ली पहुँच जाएगा। अच्छा, तो जो बंदा है अगर 1000 किलोमीटर जाना है और 1000 किलोमीटर मैं इधर चला गया तो क्या मैं दिल्ली पहुँचूंगा? नहीं पहुँच पाऊंगा। जो दिल्ली जाने के लिए नॉर्थ जाना पड़ेगा, 1000 किलोमीटर नॉर्थ जाना पड़ेगा, तब मैं यहाँ से दिल्ली पहुँच पाऊँगा। तो इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट 1000 किलोमीटर होगा तब हम दिल्ली पहुँचेंगे, बट वो नॉर्थ में होना जरूरी है तब जाके दिल्ली पहुँचेंगे। इट मीन्स इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डायरेक्शन का होना इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये ऐसा है ब्लॉक, अब मैंने बोला इस ब्लॉक को हटाने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड है, 10 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड है इस ब्लॉक को, ये ऐसा रखा हुआ है इस ब्लॉक को हटाने के लिए। अब कोई जो पर्सन है वो इस ब्लॉक पर इस तरह से फोर्स लगाएगा, सामने की तरफ 10 न्यूटन, तो इधर तो दीवार है, इधर भी ये है, क्या इधर फ्लोर है, इधर दीवार है, तो भाई कहाँ हटेगा वो? तो इसको बताना जरूरी है, भाई साहब 10 न्यूटन का फोर्स तो लगाना पड़ेगा लेकिन इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन बताना पड़ेगा। इसलिए जो वेक्टर्स क्वांटिटीज होती है उनको वेक्टर इसलिए बोला गया क्योंकि उनके मैग्नीट्यूड और उनके यूनिट के साथ में, मैग्नीट्यूड मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ में डायरेक्शन का भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इनको वेक्टर्स कहा गया। और एक दो कैटेगरी बना दी गई फिजिकल क्वांटिटीज की, स्केलर्स और वेक्टर्स, ठीक है। चलो मैम नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं इसको रब करना पड़ेगा, ठीक है। अब बेटा कुछ लिस्ट बना लेते हैं, हम जो पहले से जान रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज को उनको लिस्ट में बना लेते हैं कि वेक्टर्स कौन कौन से और स्केलर कौन कौन से। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी क्वांटिटीज स्केलर्स हैं, स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स, मास, ठीक है, और डिस्टेंस और लेंथ और बताओ स्पीड, और बताओ स्पीड के बाद में मोमेंटम, मोमेंटम तो नहीं, और बताओ एनर्जी और पावर, और क्या जानते हो प्रेशर, और क्या जानते हो करंट, है ना, और क्या जानते हो चार्ज, रेजिस्टेंस। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हम लिस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज हम लिस्ट कर सकते हैं। तुम और घर पे जा करके बैठो,
और लिस्ट करने की कोशिश करो जो भी तुमको फिजिकल क्वांटिटीज दिख रही हैं, वो स्केलर में आएंगी कि वेक्टर्स में आएंगी, उनको सोचो और इस लिस्ट को आगे बढ़ाओ, ठीक है। अब वेक्टर्स देखते हैं, वेक्टर्स में कौन कौन सी क्वांटिटीज आती हैं। वेक्टर्स में आती है बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और फोर्स। और क्या आता है बेटा फोर्स के बाद? मोमेंटम भी आता है, मोमेंटम। और क्या आएगा जी? पावर, प्रेशर, मोमेंटम, टॉर्क भी आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें आ जाएंगी, और कौन सी आएंगी याद करो, मोमेंटम, फोर्स, ठीक है। याद करके वेक्टर्स का इसका डायरेक्शन, इस लिस्ट को आगे बढ़ाना है याद करके, ठीक है। चलिए ठीक है, लिख लो, आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारी क्वांटिटीज तुम बढ़ते जाओगे वक्त के साथ, हम धीरे धीरे इसमें और ऐड करते चले जाओगे, ठीक है। चलिए लिख लिए, लिख लो उसके बाद में अब आगे देखते हैं, है ना। अब वेक्टर्स पढ़ना अलग, वेक्टर्स के रूल्स अलग हैं, वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूल्स अलग हैं, वेक्टर्स के उनको मल्टीप्लाई करने के रूल्स अलग हैं, उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के रूल्स अलग हैं। तो इस चैप्टर्स में हम वो सारे रूल्स पढ़ने वाले हैं, है ना। तो भैया अब सबसे पहले अगर वेक्टर की बात अपन देखें तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो अपन समझ जाते हैं सबसे पहले। फिर उनके सारे रूल्स पढ़ेंगे, उनको ऐड कैसे करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, है ना, दो वेक्टर्स के बीच में रिलेशन कैसा होता है, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स, बेसिक्स में वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर करेंगे बेटा जैसे कि फोर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको जब रिप्रेजेंट करना होता है फोर्स को लिखना होता है, हमने ये एफ लिखा, है ना, एफ लिखा, उसके ऊपर में हम ऐसे तीर का निशान डालेंगे, ठीक है, तीर का निशान डालेंगे और उसके बाद में उसको अपने मैग्नीट्यूड से शो करेंगे, ये एफ का मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। एफ का मॉड डाल दिया अपन ने, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आती है ये। उसके बाद में एफ का एक डायरेक्शन दिखाएंगे, तो एफ का एक डायरेक्शन के लिए एफ करके उसके ऊपर में इस तरह से कैप पहना देंगे, एक टोपी पहना देंगे अपन इसको, तो ये हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पर उसका यूनिट लिख देंगे न्यूटन, ठीक है। तो वैसे ही हम वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी वी इज रिटन एज वी का मैग्नीट्यूड डिवाइड इनटू वी का डायरेक्शन, और यहाँ पर लिख देंगे मीटर पर सेकंड। तो हमने एक मैग्नीट्यूड भी लिखा, उसका डायरेक्शन भी लिखा और उसका यूनिट भी लिख दिया है। तो इस तरह से हम लिखेंगे और शो कैसे करते हैं ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो लिख लो, उसके बाद में अपन इसको रद्द करना पड़ेगा। हाँ भाई आगे देखते हैं, तो अपन ने फोर्स लिखा एफ इक्वल टू, हमने 5 न्यूटन लगाया, 5 न्यूटन किस डायरेक्शन में लगाया, मान के चलो इस डायरेक्शन में लगाया, इसको आई बोल देता हूँ, आई कैप बोल देता हूँ, मान के चलो तो आई कैप डायरेक्शन में लगाया और ये न्यूटन में आ गया। इस तरह से हम इसको शो करेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन को आई कैप बोल देंगे। तो भाई हम थोड़ा सा मैप भी देख लेते हैं किस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है। तो अगर मैं 3D मैप अगर बनाऊंगा, 3D मैप कैसे बनाते हैं अपन, ऐसे बनाते हैं, ये 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 x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और एक z एक्सिस क्या होगा, z एक्सिस ऐसे आउटवर्ड टू द प्लेन आएगा बेटा, आउटवर्ड टू द प्लेन आएगा z एक्सिस। तो हम उसको ऐसे तो नहीं बना सकते आउटवर्ड, 3D में तो नहीं बना सकता क्योंकि बोर्ड तो 2D है, तो बोर्ड 2D है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से बनाता हूँ, तो अज्यूम कर लेना कि ये बाहर निकला हुआ है, ठीक है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z एक्सिस, इस तरफ है पॉजिटिव z एक्सिस। तो इस डायरेक्शन को एक नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया गया, i कैप। कोई अगर इस डायरेक्शन में जाता है तो उसको बोला जाता है कि वो i कैप डायरेक्शन में जाता है, कोई इस डायरेक्शन में जाए तो उसको बोला जाता है j कैप, ठीक है, j कैप डायरेक्शन में जा रहा है। और कोई सामने की तरफ आ जाए, दोनों के परपेंडिकुलर हो और सामने की तरफ आ जाए, तो उसको बोलेंगे हम k कैप डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं तुमको कि इस तरफ कोई ऐसे वेलोसिटी से जा रहा है, कितने से,
10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो उसको वेलोसिटी लिख के दिखाओ, तो मैं बोलूंगा v इज इक्वल टू 10 j कैप, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ को मैं j कैप लिख रहा हूं, उसके बाद उसको मीटर पर सेकंड से ऐसे दे दूंगा। तो ये हो गया मीटर। कोई बोल रहा है कि भैया इस पर मैंने फोर्स लगा रहा हूं, इस तरफ कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहा भैया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने, तो इसके फोर्स को इस f f को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, F वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। आप देखो बताओ 10 जो है उसका मैग्नीट्यूड हो गया, 10 जो है वो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया माइनस आई, ये अगर आई है तो बेटा इसको बोलेंगे अपन माइनस आई, ये जे है तो इसको बोलेंगे माइनस जे, ये आगे की है तो इसको बोलेंगे माइनस के, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे माइनस आई डायरेक्शन में मीटर पर मीटर में न्यूटन है, तो सॉरी फोर्स है, फोर्स है तो उसका यूनिट होगा न्यूटन, दिस विल बी रिटन एज माइनस 10 आई न्यूटन। वेरी सिंपल, इस तरह से हम चीजों को बताया करेंगे। तो आगे देखते हैं इसके आगे और क्या होता है, तो इस अभी इस बोर्ड को रब करना पड़ेगा, लिख लीजिए इसको अपनी कॉपी में फटाक से। पहले हम टाइप्स ऑफ फैक्टर्स देखते हैं, है ना, कौन कौन से टाइप्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो बेटा वेक्टर को मेनली दो टाइप्स में बांटा गया है, मेनली दो टाइप्स में बांटा गया है, पहला है वो है पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर है ना, और दूसरा है वो है एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर, ठीक है। पोलर वेक्टर्स इनकी एक अलग कैटेगरी है, एक्सियल वेक्टर्स की अपनी एक अलग कैटेगरी है। तो पोलर वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स को पोलर वेक्टर बोला गया, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन से वेक्टर को एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये देखते हैं। तो पहले अपन पोलर वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, किन वेक्टर्स को अपन पोलर वेक्टर बोलेंगे। हाँ भाई, तो ऐसे वेक्टर्स जिनको हम ऐसा दिखा सकें कि या ये पॉइंट जो है जहाँ पे फोर्स लग रहा है ना, ये पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, और ये पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन ये है, और ये तीर का निशान, तो हमने एक टेल बनाया, हमने एक टेल बनाया पॉइंट करके, हमने हेड बनाया पॉइंट करके, यहाँ पे एक हेड बनाया, तीर का निशान डाला यहाँ पे अपन ने पॉइंट का निशान डाला और एक लाइन खींची है ना। तो इस तरह से पोलर वेक्टर्स को हम शो करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड टेल ऑफ द वेक्टर, दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ द वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ ऑफ द वेक्टर, ये लेंथ है। अब कौन कौन सी चीज क्या क्या शो करती है ये देखते हैं। जो टेल है ये शो करेगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे एग्जैक्टली फोर्स लग रहा है, या है ना एग्जैक्टली कहाँ पे फोर्स लग रहा है वो शो करेगा। लेंथ जो शो करेगा वो मैग्नीट्यूड शो करेगा, जिसका लेंथ जितना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा, जिसका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा उसको उतने ज्यादा लेंथ से दिखाना पड़ेगा। हेड क्या शो करेगा, हेड शो करेगा डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन तीर का निशान शो करेगा डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको ध्यान में। तो अब मैंने बोला कि ये जो एक वेक्टर है यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी जो है वो है, ये जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना, ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो मैं उसको इस तरह से ऐसा करके ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। अब मैं ये बोलूँ तुमको कि 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ ही चल रहा है, तो ड्रॉ करके दिखाओ। तो पॉइंट यहाँ पे जो पॉइंट चल रहा है, अब इन दोनों में अंतर ये है कि मैग्नीट्यूड का अंतर हो गया 10, ये 20, तो इसको मुझे डबल, इसके लेंथ का डबल ड्रॉ करना पड़ेगा, इतना बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरा ये वाला वेक्टर, ये v1 वेक्टर हो गया, ये v2 वेक्टर। तो इसका पॉइंट ने ये शो किया कि कहाँ पे है वो पॉइंट, लेंथ ने शो किया उसका मैग्नीट्यूड, और इसने शो किया डायरेक्शन। अब वहीं पे मैं बोलूँ 10 मीटर पर सेकेंड यू ईस्ट बोल दूँ, ईस्ट तो अभी पढ़ा आपने, यू वेस्ट बोल दूंगा अगर मैं, तो मेरे को उसका उल्टा लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लगा देता हूँ, यानी पॉइंट जो है वो यहाँ पे है जो चल रहा है, और वो इस तरफ चल रहा है,
10 मीटर पर सेकंड से। तो ये देखो बेटा, हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि इस लाइन का लेंथ और इस लाइन का लेंथ, इन दोनों लाइन का लेंथ सेम हो जाएगा, है ना। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो हम बीजी करके इस तरह से देख सकते हैं, समझ में आया। इसको आई जे के टर्म में अगर आपको देना हुआ, आई जे के टर्म में देना हुआ, तो के वन वेक्टर विल बी रिटन एज 10, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन इसका हो जाएगा आई डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा यहाँ पे यूनिट मीटर पर सेकेंड। और वी टू वेक्टर हमको देना पड़ेगा, तो हम इस तरह से लिखेंगे 10 वी टू जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है ना, तो 20 मीटर पर सेकेंड, 20 डायरेक्शन आई हो गया, और फिर यूनिट लिख देंगे मीटर पर सेकेंड। हाँ, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हमको V3 को देना पड़ेगा, तो V3 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड का इसका मैग्नीट्यूड है, 10 इसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन इसका माइनस आई है, तो हमने माइनस आई डायरेक्शन में हमने इसको ले लिया ऐसा, और फिर ये मीटर पर सेकेंड ऐसा हो गया, तो ये माइनस बाहर निकल जाता है, इसको माइनस 10 आई मीटर पर सेकेंड लिखा जा सकता है। चलिए बेटा, सुन लिख लीजिए और इसको फिर मुझे रब करना पड़ेगा। अब देखते हैं पोलर वेक्टर्स, तो हमें अभी पोलर वेक्टर देख रहे थे, तो पोलर वेक्टर्स में कौन कौन से वेक्टर्स आते हैं उस कैटेगरी में, तो उस कैटेगरी में पोलर वेक्टर्स की कैटेगरी में अगर लिस्ट हम बनाना शुरू करें, तो पोलर वेक्टर जो होते हैं, नॉर्मली हम जो सारे वेक्टर्स देखते हैं भाई, पोलर वेक्टर्स होते हैं जो बस घूम ना रहे हो, ऐसे वेक्टर्स जो घूम ना रहे हों, उनके अलावा सारे वेक्टर्स को पोलर वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सारे वेक्टर्स जो होते हैं, मोमेंटम हो गया, और इन सारे वेक्टर्स को अपन क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर्स बोलेंगे। इन जनरल जो हम देखते हैं, ये सारे वेक्टर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, सारे पोलर वेक्टर्स होते हैं। कुछ वेक्टर्स को एक्सेल वेक्टर्स बोला गया, कुछ वेक्टर्स जो होंगे उनको एक्सेल वेक्टर्स बोला गया। तो अपन एक्सेल वेक्टर्स करते हैं, सेकंड वाला हो गया एक्सेल वेक्टर्स। इसको एक्सेल वेक्टर्स को एक्चुअली स्यूडो वेक्टर्स भी बोला जाता है, स्यूडो वेक्टर्स, स्यूडो वेक्टर्स। ये वो कौन से वेक्टर्स है जिनको एक्सेल वेक्टर बोलते हैं या स्यूडो वेक्टर्स बोलते हैं, तो देखते हैं, है ना। अगर बेटा अगर मैं बोलूं तुमको कि पार्टिकल है जो ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो मैं पूछूं भैया इस पार्टिकल का डायरेक्शन क्या है मूवमेंट का, तो आप बोलोगे सर उसका तो डायरेक्शन हमेशा से चेंज होगा, सर यहाँ पे है तो इस तरफ जा रहा है, यहाँ पे है तो इस तरफ जा रहा है, यहाँ पे है तो इस तरफ जा रहा है, यहाँ पे है तो इस तरफ जा रहा है, उसका स्पीड, उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है तो हमेशा चेंज हो जाएगा सर। हाँ भैया सही बात बोले तुम, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, अलग अलग डायरेक्शन अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, बहुत बढ़िया। लेकिन उसका ओमेगा जो है, ओमेगा मतलब उसका एंगुलर वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, मैं ये पूछूं तो बोलोगे सर नहीं समझ में आया, तो हमने पहले नहीं पढ़ा, तो ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे आएगा, तो तुम बोलोगे सर ये तो क्लॉकवाइज नहीं सर, ये तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो सर ये तो अपन ऐसा बता सकते हैं ना, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा तो सर हम इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अगर मैं तुमको ये बोलूँ कि बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बोलोगे ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे तो तुम्हारे लिए तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बेटा, बट मेरे लिए तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, मतलब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई पार्टिकल इस तरह से मूवमेंट करेगा तो तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज है, मेरे लिए क्लॉकवाइज है, तो फिर तुम डायरेक्शन अलग लिखोगे, मैं डायरेक्शन अलग लिखूंगा, तो हम दोनों को तो मैच ही नहीं करेगा, तो ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात हो गई पढ़ने वाले के लिए, तो कोई तीसरा बंदा पढ़ेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई क्लॉकवाइज घुमा या एंटी क्लॉकवाइज घुमा पार्टिकल। तो बेटा उसके लिए क्या किया जाता है, ऐसे वेक्टर्स जिनमें रोटेशनल का इफेक्ट हो, जिन जो घूम रहे हो किसी सर्कल में घूम रहे हो या किसी तरह का रोटेशनल मोशन हो रहा हो या सर्कुलर मोशन हो रहा हो, ऐसे टाइप के वेक्टर्स को, इनको भी ऐसे टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब ओमेगा, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी,
जैसे लाइक की फिजिकल क्वांटिटीज को भी बोला गया कि इसको भी हम डायरेक्शन बताएंगे, डायरेक्शन देना पड़ेगा और वो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के क्रम में नहीं लेंगे, इस तरह से नहीं बोलेंगे, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो हमने बोला तो फिर एक तरीका बताओ, कॉमन तरीका जो जिसको कहीं से भी देखें तो उसका डायरेक्शन सेम आएगा। तो उसने बोला गया कि भाई इसको हम बोलेंगे राइट हैंड थंब रूल से देंगे इसका डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल जो तुमने पहले पढ़ा हुआ है ना टेंथ में, उसी राइट हैंड थंब रूल से हम इसका डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। तो सर कैसे करेंगे, तो एक काम करो बेटा, अपने हाथ को ऐसे रखो यहाँ पे, ऐसे इस हाथ को ऐसे रखो और ये ऐसे घूम रहा है, इस प्लेन पे रखेंगे हम ऐसा और ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे हम अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे। अगर ऐसे घूमता तो हम अपनी उंगलियों को ऐसे रखिए, ऐसे मोड़ते, तो अभी ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो थंब का डायरेक्शन जो होगा वही क्या होगा, हम उस वही डायरेक्शन को हम ओमेगा का डायरेक्शन असाइन करेंगे। ठीक है, तो इस केस के लिए थंब का जो डायरेक्शन होगा उसको हम असाइन करेंगे, और थंब का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन उसका होगा ओमेगा का डायरेक्शन। तो बेटा थंब का डायरेक्शन किधर आ रहा है, आउटवर्ड टू द प्लेन आ रहा है ना, आउटवर्ड टू द प्लेन आ रहा है, तो क्या मैं इसको के डायरेक्शन लिख दूंगी, अब प्लस के डायरेक्शन है ना। तो अभी मैं ये बोल सकता हूँ इस केस के लिए हमारा एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, मतलब ये ओमेगा का कैप जो होगा वो हम बोल सकते हैं के कैप, क्या बोल सकते हैं हम के कैप बोल सकते हैं। समझ में आया मेरा, चलो बेटा इसको लिख लो, बोर्ड रब करना पड़ेगा, लिखते हैं। अब मैं बोलूं भैया ये जो पार्टिकल है ये इस तरह से घूम रहा है, तो इसके ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा बेटा। तो अगर अपन देखें इसको ऐसे पकड़ के यूं घुमाया, ऐसा यूं घुमाने पर अंदर की तरफ आ रहा है, और हमने पढ़ा था अंदर का डायरेक्शन को हम के डायरेक्शन बोल देते हैं, माइनस के डायरेक्शन बोल देंगे। ठीक है, ठीक। अब अगर मैं बोलूं तुमको इस तरह से ऐसा एक पार्टिकल है इस तरह के इस प्लेन में ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है इस प्लेन में, और तुम अगर इसको यहाँ से देखोगे तो ये इस तरह से जाएगा, मतलब इसको देखने पर इसको देखने ये देख रहा है इस ऑब्जर्वर को, ये मोशन एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मतलब मोशन एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है इस ऑब्जर्वर को, तो इस तरह से घूम रहा है ना, देखो इस तरह से घूम रहा है वो, उस ऑब्जर्वर के लिए ऐसा घूम रहा है, देखो मैं ऐसा ऑब्जर्वर बन गया, ऐसे घूम रहा है वो, ऐसे घूम रहा है, तो मुझे उसी डायरेक्शन में अपनी उंगलियां घुमानी है ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में नहीं घुमानी है, इस डायरेक्शन में अगर मैं घुमाता हूँ तो मेरे थंब का डायरेक्शन इस तरफ आता है, तो इसके ओमेगा का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, इसका मतलब इसमें ओमेगा का डायरेक्शन हो गया माइनस आई डायरेक्शन, क्या बात समझ में आई क्या। तो इस तरह से मैं डायरेक्शन को दिया करूंगा एक्सियल वेक्टर्स में, तो एक्सियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं बेटा जिनका रोटेशनल इफेक्ट होता है और उनको एक साइन असाइन कर दिया जाता है एक्सिस के डायरेक्शन में, देखो ये एक्सिस है, ये एक्सिस बनेगा, तो एक्सिस की तरफ या तो इधर हम ऐसे असाइन करते हैं, या तो इधर, इसलिए एक्सिस एक्सिस से बना एक्सियल वेक्टर है ना, तो इस तरह से हमने इसको असाइन कर दिया एक्सिस के डायरेक्शन में माइनस आई, या तो इधर अपन असाइन करते उल्टा घूमता क्लॉकवाइज घूमता तो हम इसको इधर डायरेक्शन असाइन करते हैं, समझ में आया। अब देखो बेटा इस तरह के वेक्टर्स को दिखाने के लिए एक और तरीका यूज किया जाता है, आउटवर्ड टू द प्लेन है, देखो इस तरफ है तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ बोर्ड में, इस तरफ है तो इधर दिखा देता हूँ, ऊपर है तो ऐसा दिखा दिया, नीचे तो ऐसा दिखा दिया, बट आउटवर्ड है तो इसे खींच के कैसे दिखाऊं मैं इसको, तो खींच के दिखाने के लिए हम आउटवर्ड टू द प्लेन ऐसा ड्रॉ करते हैं, दिस इज कॉल्ड आउटवर्ड टू द प्लेन, हम इस तरह से शो करेंगे, ठीक है, और अगर इनवर्ड है तो ऐसा क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके दिखाएंगे उसको इनवर्ड टू द प्लेन करके डायरेक्शन, समझ में आया, आउटवर्ड इनवर्ड, तो ये कैसा है इसका डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन है ना, सॉरी इसका डायरेक्शन इनवर्ड है, इस तरफ से है ना, अंदर की तरफ है, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में ओमेगा है, इस तरह से हम इसको शो करेंगे। तो एक्सियल वेक्टर्स कौन कौन से वेक्टर्स एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, अगर अपन लिस्ट बनाएंगे एक्सियल वेक्टर्स की लिस्ट बनाते हैं अगर हम, तो एक्सियल वेक्टर्स की लिस्ट में सबसे पहले आता है एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना,
ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, ऐसी और क्वांटिटीज बाद में पढ़ेंगे हम। तो ये इस तरह से जो भी क्वांटिटीज में एंगुलर लग रहा है, ये टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, इन सारी क्वांटिटीज को हम बोलेंगे एक्सियल वेक्टर्स। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ से हम गए, यहाँ से अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक अपन ने मूव किया तो हम मूव करेंगे तो ये जो थीटा बनाया, इस थीटा को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये थीटा ऐसा लिख देते हैं। जिस स्पीड से घूम रहा है वो स्पीड ओमेगा है, तो ओमेगा हम पर लिख देंगे यहाँ पे, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इन जनरल जो नॉर्मल से टर्म में हम बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इज रिटन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, इस सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखा जाता है कि कितने के रेट से, किस रेट से ये पार्टिकल अपने एंगुलर वेलोसिटी को बदल रहा है, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आया? एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बटन लिख लो, इसके बाद इसको वर्क करना पड़ेगा मुझे। एरिया वेक्टर है या स्केलर है, कौन बताएगा, वेक्टर है या स्केलर है, क्या है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मुझे पता है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे एरिया जो है वो स्केलर है, बट मैं बोलूंगा बेटा एरिया जो है वो स्केलर नहीं है, एरिया वेक्टर है। बोलेंगे सर एरिया कैसे वेक्टर है, एरिया जैसे हमने ड्रॉ किया, ये हमने ड्रॉ कर दिया एरिया, ना इसका कोई डायरेक्शन है, नहीं कुछ है, तो बस ये सिंपल सी बात दिख रही है हमें। तो बोलूंगा बेटा एरिया जो है वो एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है, क्योंकि जब हम प्लस निकालते हैं क्लास ट्वेल्थ में तब हमें एरिया का डायरेक्शन पता होना जरूरी है। एरिया एक एक्सियल वेक्टर है, अगर मैं इसको ए मानूं और इसको बी मानूं, इस वेक्टर को ए इसको बी मानूं, तो इसका एरिया जो होता है दैट इज गिवन एज ए क्रॉस बी। ये क्या होता है बेटा, इसको अपन नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी क्या होता है। इस तरह से दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में दिया जाता है, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा और अच्छे से। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो बहुत एक बार और पढ़ेंगे। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है बेटा, ए को बी की तरफ ऐसे मोड़ोगे तो आउटवर्ड टू द प्लेन या इनवर्ड टू द प्लेन ऐसा दिया जाता है। मतलब एरिया का जो डायरेक्शन होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। इसको ध्यान में रखना, ये बहुतों को नहीं पता होता, इवन जो ट्वेल्थ में बच्चे पहुंच जाते हैं उनको भी ये पता नहीं होता कि एरिया जो होता है दैट इज अ वेक्टर एंड इट इज एक्सियल वेक्टर, इसका डायरेक्शन जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। मतलब अगर ये प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर ये बोर्ड है, इसका एरिया वेक्टर किधर है बोलोगे, तो इसका वेक्टर एरिया वेक्टर सामने की तरफ है या पीछे की तरफ है ये भी बोल सकते हो, बट परपेंडिकुलर ही होगा। अगर मैं बोलूँ तुमको ये प्लेन है मेरा हाथ, ये ऐसा मेरा हाथ है, ये भी प्लेन है यहाँ पर, तो इस प्लेन का वेक्टर किधर है बेटा, इसका डायरेक्शन किधर है इस वेक्टर का, इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। हाँ भाई चलो आगे देखते हैं। अब दो वेक्टर को कंपेयर करते हैं, दो वेक्टर को कंपेयर करके उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं तो वो देख लेते हैं पहले, है ना। कंपैरिजन ऑफ टू वेक्टर्स, कंपैरिजन दो वेक्टर को कंपेयर किया जाता है ना, तो क्या बोला जाएगा, तो पहला है इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स या सेम वेक्टर बोलेंगे, इक्वल या सेम वेक्टर। दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर कब कहलाएंगे, जब बेटा देखो अगर एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर भी ऐसा है, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ए का मैग्नीट्यूड है ना, ये ऐसा मैग्नीट्यूड लिखा, और ये बी का मैग्नीट्यूड, दोनों सेम है और ए का डायरेक्शन भी बी के डायरेक्शन के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं ए और बी दोनों इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। अब बोलोगे सर मैं इस बी को यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो, यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो तब भी है क्या? हाँ बिल्कुल तब भी है, क्योंकि
कि ना तो इसका डायरेक्शन बदला और ना इसका मैग्नीट्यूड बदला, बस इसका पोजीशन बदल गया। तो पोजीशन बदलने से कुछ नहीं होता, तो ये पोजीशन मैंने को बदलना, यहाँ से यहाँ मैंने बदल दिया, इसको बोलते हैं पैरल शिफ्टिंग। ये अभी भी पी है ना, तो ये दोनों को बोलेंगे यहाँ से यहाँ जो मैंने इसको लेके आया उसको बोलेंगे पैरल शिफ्टिंग, पैरेलली एक वेक्टर कैसे भी शिफ्ट किया जा सकता है, वो वेक्टर नहीं बदलता है। एक वेक्टर को पैरेलली मैं कहीं भी शिफ्ट कर दूं वो वेक्टर नहीं बदलता। जैसे कि ये एक वेक्टर है, इसको पकड़ के मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर है, दोनों में कोई चेंज नहीं है, दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स इसको बोलते हैं। रफ करना पड़ेगा बेटा बोर्ड। पैरेलल वेक्टर देखते हैं ना, पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, जिनका डायरेक्शन सेम हो, ये है और ये भी है, जरूरी नहीं है उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन बस सेम होना चाहिए, ये और जरूरी है, ये पैरेलल वेक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स में क्या है बेटा, डायरेक्शन बस बदल जाना चाहिए, ये तो दिस आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ऐसा है अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ बी माइनस ऑफ डायरेक्शन ऑफ बी, तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो जाता है, ठीक है। थर्ड है, थर्ड अपन ने कर लिया। फोर्थ है कोलिनियर वेक्टर, है ना, कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है बेटा, जो एक ही लाइन में लग रहे होते हैं, ऐसा। तो एक वेक्टर बड़ा वाला ए है और छोटा वाला बी वेक्टर है, तो ये एक ही लाइन में लग रहे हैं, तो ये जो है कोलिनियर वेक्टर्स, है ना। और चौथा देखते हैं, चौथा नहीं पांचवा देखते हैं, पांचवा देखते हैं कोइनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से, एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं सारे के सारे वेक्टर्स, इसी पॉइंट पे ये वेक्टर भी लग रहा है, ये वेक्टर भी लग रहा है, ये वेक्टर भी लग रहा है, दिस आर ऑल वेक्टर्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। चलिए बेटा लिख लो, इसको रब करना पड़ेगा। हो गया था बेटा पांचवा, हो गया था छठवा, देखते हैं को प्लेनर वेक्टर, है ना, को प्लेनर वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर्स, है ना, तो वो वेक्टर जो सेम प्लेन में हो, सेम प्लेन में लाई करते हो, वो जो वेक्टर जो सब सेम प्लेन में लाई करते हो, जैसे कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर्स इस बोर्ड की प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो दिस विल बी को प्लेनर वेक्टर्स ए और बी, दीज आर को प्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। तो ये भी को प्लेनर है, ये भी को प्लेनर है, ये भी को प्लेनर्स हैं, सारे को प्लेनर वेक्टर होते हैं क्योंकि मैं बोर्ड पे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सातवां नंबर देखते हैं स्क्यू वेक्टर्स, स्क्यू वेक्टर्स, स्क्यू वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं बेटा, कि देखो जैसे कि मैंने इसको समझाना पड़ेगा अलग से, मेरे पास अच्छा देखो बेटा, ये हो गया एक वेक्टर और ये हो गया दूसरा वेक्टर, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं और इसमें लाई करते हैं, इसमें बोर्ड पे लाई करते हैं, ये पैरेलल ना हुए तो कहीं ना कहीं दूसरे को जाके कट करेंगे, ठीक है। अब ये पैरेलल है, ठीक। अब अगर मैं इसको बाहर लाऊं ऐसे, तो अभी भी एक प्लेन पे लाई करेंगे, तो ये वाले प्लेन पे लाई करेंगे, लेकिन इसमें ऐसे कर दूं तो अब ना तो ये पैरेलल है, अब ये दोनों वेक्टर्स ना तो पैरेलल है ना कि एक दूसरे को कहीं पे कट करेंगे, ये ऐसे बढ़ाऊंगा तो ये ना कट करेगा, ये कहीं भी जाकर इसको कट नहीं कर सकता, तो इनको बढ़ा भी दें, इसको इधर बढ़ा दूं उधर बढ़ा दूं, तो भी से ये दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगे, है ना, एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं कर रहे, तो ऐसे वेक्टर्स विच आर नॉट पैरेलल, जो कि पैरेलल ना हो प्लस इंटरसेक्शन भी ना हो, एंड नो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन भी ना हो और पैरेलल भी ना हो, ऐसे वेक्टर्स को बोलेंगे
टू वेक्टर्स, ठीक है। आठवां नंबर इतने बड़ा नेगेटिव वेक्टर, तो एक वेक्टर अगर ऐसा ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, ए वेक्टर जस्ट उतने ही मैग्नीट्यूड का अपन ने घूटे में ऐसा ड्रॉ किया बी वेक्टर, इसका मतलब जस्ट उल्टा, मतलब उसका अपन ने, हमने उसका डायरेक्शन जस्ट बदल दिया, उसका डायरेक्शन इधर था आगे था तो जस्ट पीछे कर दिया, है ना, बट मैग्नीट्यूड सेम रखा, इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड बट बी का डायरेक्शन इक्वल टू माइनस ए, ए का जो डायरेक्शन था उसके अपोजिट साइड में मैंने लिया है, तो ये बी जो हो जाएगा ये ए का निगेटिव वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो दिस आर बोथ बी, ये दोनों आपस में निगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे, ये जो है इसका निगेटिव वेक्टर, ये इसका निगेटिव वेक्टर, समझ में आया गया। इसको अपन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर ये ए वेक्टर है तो ये बी वेक्टर है, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया तो ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं B वेक्टर इज इक्वल टू माइनस A वेक्टर, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है, चलिए मैं लिख लूं। स्मार्ट एजुकेशन इज द बेस्ट चॉइस, प्लीज कॉन्टैक्ट अस एट थर्ड फ्लोर सिद्धि पूजा रेसिडेंसी बिहाइंड होटल विहार, ओल्ड गंगापुर नाका, गंगापुर रोड, नासिक।